अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि खाने देने की फर्म की भारी अनियमितता आई है सामने। मजदूरों को समय से खाना नहीं मिल रहा है। नोडल अधिकारी आरएन यादव के निरीक्षण के दौरान खुली है पोल। बड़ी खबर आपको मुजफ्फरनगर से बता रहे, जहां पर प्रशासनिक अधिकारियों की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। खाना देने वाली फर्म की भारी अनियमितता आई है सामने। मजदूरों को समय से खाना नहीं दिया जा रहा है। नोडल अधिकारी आरएन यादव के निरीक्षण के दौरान इस बात की पोल खुली है कि हमारे गुजरात से जिला गिर सोमनाथ बस आए और बस भी हम खुद अपनी कर लाए। दो बस लाए हम, जिसका भाड़ा एक बस का 1,35,000 रुपए था और 28 जने समय हम बैठ के, एक में 28 एक में 31। दो बस का भाड़ा हमारे से लिया 2,70,000 रुपए। क्या मामला? मामला यह है कि ना तो हमारी सरकार ने मदद करी उधर की उधर भी, और ना हमारी मदद इधर करी कुछ भी, ना खाने की ना रहने की ढंग से कुछ भी। हम तालुका जिला गिर सोमनाथ से आए हैं। हम चले थे यहाँ 4 तारीख में जी, और 4 तारीख में चल गए हम यहाँ पे आए हैं 6 तारीख में शाम को। कहाँ पे आए? यहाँ चरथाल अपने क्षेत्र में थाने पर, और हमें यहाँ ला के रख दिया। न तो हमें कोई खाने की सुविधा, न कोई वैसी सुविधा। हमें शाम को तो केले दिए गए, बाकी कुछ नहीं। अब तक न कोई नहाने की, न कोई वैसी। मच्छरों में यहाँ पूरी रात कोई एक मिनट नहीं सो पाया, यानी कि प्रशासन कुछ कर ही नहीं रहा। सर एक्चुअली हमने टेंडर भरा था क्वारंटाइन, जो लोग सेंटर जो क्वारंटाइन हो रहे हैं वो उनकी छुट्टी पे होने पर, 15 दिन का राशन था और 7 दिन का राशन था। तो एडीएम साहब से टेंडर हुआ था मुजफ्फरनगर से, सब ने टेंडर डाला था, हमने टेंडर डाल दिया, L1 हम आ गए। तो उस वक्त तो वो जो कंडीशन थी, सिर्फ किसी फर्म या किसी व्यक्ति के द्वारा टेंडर डालना था, उसमें कहीं भी किसी लाइसेंस का कोई जिक्र नहीं था, ना ही हमसे कोई क्रेडेंशियल मांगा गया था उसके लिए। अब सर आप देख रहे हो, हमने यहाँ लाखों रुपए का सामान इकट्ठा किया। मेरे पास अभी पूरा मुजफ्फरनगर है और पूरा 5 किलो छोटी छोटी किट है, 7 दिन के राशन वाली मेरठ की भी है, दोनों ज़िले मेरे पास में है अभी। दरअसल चरथावल में भोजन को लेकर शिकायत आई गई थी, तो उसका जाँच किया गया, तो उसमें पाया गया कि जो टेंडर हुआ था, टेंडर प्रक्रिया में कुछ कमियाँ थी, और साथ ही साथ जो वो था, जो सप्लायर था जिसको टेंडर मिला हुआ था, उसका एक जो फूड लाइसेंस था वो पहले सस्पेंड हो गया था, उसकी तिथि समाप्त हो गई थी। तो उस प्रक्रिया में अभी जांच की जा रही है, तो जांच के जो भी निष्कर्ष आएंगे उसके आधार पर आगे डिसाइड होगा कि क्या कार्रवाई की जानी है। हमारे भाई हैं यहाँ करीब 60-70 थे, ये गुजरात में अपना कुछ व्यवसाय कर रहे थे, कुल्लू वल्लू जो भी कार्य करते होंगे, तो वहाँ से कल आए थे, और वहाँ से आने में इन्होंने बेचारों ने अपनी ही निजी बस किराए पर की, अपने ही खर्चे थे, वहाँ से आए यहाँ आके ना शाम के टाइम जानवरों की तरह तो ठूस दिया गया। 9 बजे यहाँ पे इन्हें भेजा गया, और कल तक आज तक पूरा दिन ये कल सफर में रहे, रात इनकी नहीं गुजरगी, अब आधा दिन होने को आ रहा इन्हें अब तक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वरुण शर्मा हमसे जुड़ चुके हैं। वरुण, आपसे जानना चाहेंगे, मुजफ्फरनगर में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिस फर्म को खाना देने के लिए टेंडर दिया गया था, उस फर्म का जो राशन है, राशन कह रहे हैं, जो उस फर्म का जो लाइसेंस था वो पहले ही निरस्त करवा दिया गया था। क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जो है, जो चरथावल जो प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से आ रहे हैं उनके लिए एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, उनको खाना मुहैया कराने की बात थी। लेकिन जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार देश और प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म करने का आह्वान कर रहे हैं, और लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होनी चाहिए, अगर इसके बावजूद भी जनपद मुजफ्फरनगर बड़ी हिम्मत देखने में आई है कि ये है कि जो राशन किट है, जो फर्म है अन्नपूर्णा एग्रो फ्लोर मिल, इसका जो लाइसेंस था वो फरवरी में निरस्त हो गया था, लेकिन जो जिले के अधिकारी हैं उनकी मिली भगत से इसको टेंडर दे दिया गया, और लगभग 2 जिलों में, मुजफ्फरनगर और मेरठ में, इसने जो राशन सामग्री है वो बांटने का काम किया। जो शासन से नोडल अधिकारी आर एन यादव आए हैं, जो वो क्वारंटाइन सेंटर पहुंचे, वहां उन्होंने मजदूरों की शिकायत सुनी, खाने की शिकायत थी,
खाद्य सामग्री की शिकायत थी, उन्होंने तुरंत जिले के आला अधिकारियों को आदेश दिया। तत्पश्चात जिले की जो डीएम है उन्होंने उस फ्लोर पे छापा लगवाया, वहाँ काफी अनियमितताएं मिली और वहाँ से सैंपल लेकर उस सील कर दिया गया है, मिल को सील कर दिया गया है, जिसमें जो वहाँ के तहसीलदार है उनको सस्पेंड कर दिया गया है और जो एडीएम ई थे जो अमित कुमार उनको तत्काल छुट्टी पर भेज दिया गया है। जी जी वरुण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुजफ्फरनगर से, जहां पर प्रशासनिक अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कानपुर देहात से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर बड़े